हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिहार डेलीगेशन। तो जैसा कि आपको पता होगा कि रेलवे ग्रुप टिक का एग्जाम जो है 1 या 2 महीने बाद होने वाला है। तो रेलवे ग्रुप टिक एग्जाम में न्यूमेरिकल से काफी सारे प्रश्न आते हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में न्यूमेरिकल के कुछ प्रश्नों जो इम्पोर्टेंट है, जो कि पिछले बार रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आगे भी पूछे जाने की संभावना है, वो मैंने कई सारे प्रश्न आपके लिए लाए हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो अभी आप लोग पहला प्रश्न देख रहे होंगे, देख लीजिए। पहला प्रश्न कुछ इस तरह से ही पूछा जाता है, जैसे 100 वाट्स का कोई बल्ब है, उसको अगर 5 घंटे चले तो 3 दिनों में कितना ऊर्जा खर्च करेगी। यानी कि गौर से क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लिए, 100 वाट्स का बल्ब 5 घंटे चले तो कितनी चले तो सॉरी 3 दिनों में कितना ऊर्जा खर्च करेगी। ठीक है, आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1 यूनिट, ऑप्शन बी है 1.5 यूनिट, ऑप्शन सी है 2 यूनिट, ऑप्शन डी है 2.5 यूनिट। तो आप लोग इस क्वेश्चन को करना शुरू कीजिए और मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को करते कैसे। देखिए, न्यूमेरिकल के जितने भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, सबको करने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी फॉर्मूले की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है W इंटू एच, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो इस क्वेश्चन को करने में आपको दिक्कत होगी। W यानी कि वाट, एच यानी कि आवर और नीचे 1000 से डिवाइड करना है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ क्या आपको वाट्स दिया हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपल सा वाट्स फिल कर लीजिए, उसके बाद इनटू कर लीजिए, उसके कितने घंटे जल रहा है तो यहाँ पे कर दीजिए आप 5 और उसका डिवाइडेड में आप कर दीजिए 1000। ठीक है, अब आप इसको काटिए। तो देखिए काटने पे कैसे करता है, ये 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर के कट जाएंगे, ऊपर बच जाता है 1, 5 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 5 आता है और नीचे आ जाता है 10, तो ये आपका आ जाएगा, अगर हम आगे डिवाइड करते हैं तो 0.50। ये जो आया है आंसर, ये 1 दिनों का आया है, यानी कि 1 दिन में कितना यूनिट खर्च करेगी कोई, अगर 100 वाट्स की बल्ब है 5 घंटे जलाए तो करेगी 0.5 यूनिट। अब हमारे से पूछा कितने दिनों तक गया था, तो आप देखिए क्वेश्चन में 3 दिनों के लिए पूछा गया था, तो 3 दिनों का कितना हो जाएगा 0.5 × 3, तो ये कितना आ जाएगा 1.5 यानी कि 1.5 यूनिट। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन करते हैं। तो आप लोग इस फॉर्मूले का जो मैंने यहाँ पे दे दिया है और इसको करना कैसे, इसका आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला सवाल आपके सामने आ गया है। अगला सवाल है आपका, 20 किलो भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। ये भी क्वेश्चन पिछले बार रेलवे ग्रुप डी में आया, तो आगे भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है जैसे यहाँ पे 20 किलो है तो यहाँ पे 4 किलो दिया जा सकता है, ऊंचाई कितनी उठानी है तो 2 मीटर। तो इस सवाल को करते हैं, सबसे तो आपको पहले ही समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से, तो आपको पता चल गया कि ये ग्रेविटी का ही क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का। ठीक है, तो यानी कि ऊर्जा से प्रश्न है, तो ऊर्जा कितने तरह के होते हैं, एक तो होता है काइनेटिक ऊर्जा, एक होता है पोटेंशियल ऊर्जा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है पोटेंशियल एनर्जी का, स्थिर ऊर्जा, क्योंकि कोई भी सामान जो थी 20 किलो का वो कहीं स्थिर थी तो उसको 2 किलोमीटर हाइट तक उठाया गया, स्थिर वस्तु को उठा के 2 मीटर की हाइट तक ले गया है, यानी कि कोई वस्तु यहाँ थी उसको उठा के यहाँ 2 मीटर हाइट तक ले जाई गई है। तो आपसे सिंपल सा ये जो क्वेश्चन था, ये आपका काइनेटिक
सॉरी पोटेंशियल एनर्जी से क्वेश्चन था। तो आपको क्वेश्चन को समझना होगा कि क्वेश्चन किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का है या फिर काइनेटिक एनर्जी। तो आपने समझ लिया पोटेंशियल। अब आपको जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले की, ठीक है। इसमें एक और चीज की जरूरत पड़ती है, वो पड़ती है जी का मान का। तो जी का मान आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद होता है तो जी का मान आपको क्वेश्चन में कई बार दिया रहता है कि आपको जी का मान लेना है 10, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आप, वैसे तो जी का मान 9.8 होता है, लेकिन आप चक्के क्वेश्चन आसानी से कट सके, सॉल्व हो सके, इसके लिए एग्जाम में आपको हमेशा ये 10 मीटर प्रति सेकंड दिया होगा। तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, नोट कर लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है P into mgh। बहुत आसान फॉर्मूला है। अब आपको सिंपल सा इसमें वैल्यू पुट कर देना है। तो आप देख पा रहे होंगे m की वैल्यू क्या थी हमारे पास, m का वैल्यू हमारे पास था 20 kg, ठीक है। m की वैल्यू हमारे पास 20 kg था, और हाइट कितनी थी, हाइट हमारे पास दे रखी थी 2 मीटर। तो हमारे पास रह क्या गया, हमारे पास रह गया जी। जी हम हमारे को क्वेश्चन में याद दिया होगा, नहीं भी दिया होगा तो आप जी का मान जो है याद कर लीजिएगा। तो अब आप सिंपल साइज के अंदर वैल्यू पुट कीजिए और देखिए किस तरह से आंसर आसानी से आता है। तो हमने रखा 20 × 10 × 10, सॉरी हाइट जो था 2 मीटर था, 2 रख दिया। अब क्या आ गया यहाँ पे 200 और 2 400, यानी कि हमारा आंसर जो आ गया 400 आ गया। ये किस में आया था आंसर, जूल में। तो ये हो जाएगा आपका दूसरे सवाल का जवाब। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग चाहे तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। तो आप लोग के सामने तीसरा प्रश्न आ गया है। तीसरा प्रश्न देखिए, 5 मीटर प्रति सेकेंड के गति से गतिशील 22 किलो वजन वाली वस्तु का गतिज ऊर्जा कितना होगा। यानी कि आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सवाल में सीधे आपसे गतिज ऊर्जा पूछ लिया गया है। तो चलिए, इस क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन भी दे दिया गया। ऑप्शन ए है 250 मीटर, ऑप्शन बी है 270, ऑप्शन सॉरी ये जूल में है, ऑप्शन सी है 275 और ऑप्शन डी है 300 जूल। तो आपको बताना है फटाफट इसका जवाब सही। तो आप लोग जल्दी से इसका जवाब दीजिए। देखिए, इस तरह के जो भी क्वेश्चन करने हैं आपको न्यूमेरिकल के, उस सब के लिए फॉर्मूला है, और इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। आपको फॉर्मूले जो है याद करने पड़ेंगे। वीडियो में मैं फॉर्मूला सबका बताते जा रहा हूँ। आप चाहे तो लूसेंट के भी हर चैप्टर में फॉर्मूला दिया है, नहीं तो मैं अगली वीडियो सारे जो फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, उसका वीडियो एक स्पेशल बना दूंगा, तो आप फॉर्मूला देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन किसका है, ये गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का याद रखना है आपको। फॉर्मूला होता है 1/2 mv². अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे, अन्यथा आप एग्जाम में फंस जाएंगे। तो ये बहुत एक एक लाइन का फॉर्मूला है, आपको एक नंबर जो कि काफी इंपॉर्टेंट नंबर देने वाला, तो इस फॉर्मूले को आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। तो इसमें हम सिंपल सा देखिए वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 को 1/2 रहने देते हैं। एम कितना दिया हुआ था मास, एम दिया हुआ था आपका 22 किलो। तो हम यहाँ पे सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन में 22 लिख लिए, उसके बाद इंटू में आपका जो भी था कितना था, वो था आपका 5, उस किस में था, स्क्वायर में। तो आप आगे थोड़ा सा तोड़ लीजिए, 1/2 × 22 × 25। देखिए कुछ कटता है तो काट दीजिए, बिल्कुल कट रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 11। अब यहाँ पे रह गया 25 को 11 से गुना करना है, तो सिंपल सा आप कर दीजिए, यहाँ आ गया 5। देखिए 25 को 11 से गुना करना बहुत आसान है, यहाँ पे 25 लिख दीजिए, एक छोड़ के 25 लिख दीजिए, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यानी कि 275 जूल इसका आंसर हो गया। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से, और भी अगर आपके पास भी कोई प्रश्न है तो हमारे पास भेजिए, उसको हम सॉल्व करके
आपको बता देंगे और वीडियो में आपका नाम लेंगे। तो आप लोगों को एक प्रश्न दे देता हूँ जो कि आपको अगले वीडियो में करके आनी है। तो आप लोग के लिए मैं होमवर्क क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसको आप लोगों को करके आना है। तो सवाल देख लीजिए, 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर जो है प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती, उसके बाद आपको बताना है कि 2 सेकेंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। 2 केजी के द्रव्यमान वाली एक वस्तु को ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकेंड की प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, तो 2 सेकेंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा बचानी है। आपको जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड लेना है और आपके ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन ए 100 जूल, ऑप्शन बी 40 जूल, ऑप्शन सी 0 जूल, ऑप्शन डी 400 जूल। तो ये आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको घर से करके आइएगा। इस क्वेश्चन को कैसे करना है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं था चंदन कुमार बिहार डेलीगेशन से।